नमस्कार दर्शकों, केएनएन न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आगामी चुनाव को लेकर पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जनसेवा मित्रों द्वारा महितपुर के यशवंत उत्कर्ष शासकीय विद्यालय में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में नए मतदाताओं के साथ महितपुर SDM ब्रजेश सक्सेना भी शामिल हुए। महितपुर SDM ब्रजेश सक्सेना ने पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं को संबोधित करते हुए वोट की विशेषता के बारे में बताया। साथ ही उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का डेमो देकर छात्रों से किस प्रकार मतदान किया जाता है यह भी समझाया और छात्रों को यह भी जानकारी दी कि 30 तारीख तक जिन्होंने अपना मतदाता परिचय पत्र में नाम नहीं जुड़वाया है वह जुड़वा सकते हैं और अपने आसपास व परिवार वालों को मतदान के लिए जरूर से जरूर जागरूक करें। उज्जैन से कुशाल ठाकुर की खास रिपोर्ट। मतदाता स्वीप एक्टिविटी के अंतर्गत जनसेवा मित्रों के माध्यम से आज हमने हायर सेकेंडरी स्कूल में जो नए वोटर्स हैं उनको मतदान से जानकारी देने के लिए एक हमने स्वीप एक्टिविटी का कार्यक्रम रखा था। सभी मतदाता भाइयों से मेरा निवेदन है कि अभी 30 तारीख तक मतदाता सूची में नाम जोड़ने का कार्यक्रम चल रहा है। जो लोग जिनके घरों में जो 18 साल के बच्चे हुए हैं 1 अक्टूबर 2023 की स्थिति में जो 18 वर्ष के हो रहे हैं वे सभी बच्चों के नाम मतदाता सूची में जुड़वाएं। इस कार्य के लिए हमने 262 मतदान केंद्रों पर PLO नियुक्त किए हैं। PLO घर घर जाकर भी विशेष कैंपों के माध्यम से कार्य कर रहे हैं। सेक्टर ऑफिसर्स 26 सेक्टर ऑफिसर हमने नियुक्त किए हैं। सभी से यही आग्रह है कि मतदाता सूची में अधिक से अधिक अपना नाम जुड़वाएं। कोई भी ऐसा मतदाता सूची में नाम जोड़ने से वंचित नहीं रहे जो 18 साल का हो गया। जो अपकमिंग हमारे इलेक्शंस हैं उसके लिए फर्स्ट टाइम वोटर्स को जागरूक करने के लिए हमारे जनसेवा मित्रों द्वारा ये एक्टिविटी प्लान की गई जिसमें पूरी उनको पोलिंग की प्रोसेस से अवगत कराया जाएगा। फर्स्ट टाइम वोटर्स को उनको वोटिंग की इम्पोर्टेंस बताई गई और ना सिर्फ वो खुद वोट देने जाएं और अपने परिवार वालों को भी अवेयर करें कि वोट देना क्यों इम्पोर्टेंट है और सही वोटिंग की प्रोसेस क्या होती है। उसके लिए आज ये एक्टिविटी मुख्यमंत्री जनसेवा मित्रों द्वारा प्लान की गई।